अगर आपका YouTube चैनल है और आपने अपने YouTube चैनल में 100 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है या अपने YouTube चैनल का URL चेंज करना चाहते हैं या अपने YouTube चैनल का दो दो URL बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनका चैनल जब आप सर्च करते होंगे यूट्यूब पे उनके चैनल के नाम से तो उनका चैनल सबसे ऊपर आता होगा। जब आप उनके नाम से यानी उस यूट्यूबर के नाम से जब भी आप सर्च करते होंगे तब भी उनका चैनल सबसे ऊपर आता होगा। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो अपना नाम या चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन में या टैग में लिखते हैं। इसीलिए बड़े बड़े यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल का दो दो लिंक बनाकर रखते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के नाम से भी और अपने नाम से भी, जिससे कोई भी उनके यूट्यूब चैनल को सर्च करे तो उनके नाम से भी और उनके YouTube चैनल से भी उनका चैनल सबसे ऊपर आए। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने YouTube चैनल का URL चेंज कर सकते हैं और दो दो URL भी बना सकते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने क्रोम ब्राउजर पर यूट्यूब ओपन कर लिया है। उसके बाद अपने चैनल के आइकन पर क्लिक करेंगे और आपको यहां पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहां पर व्यू एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहां पर आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। ये दोनों ऑप्शन सेम है, हम व्यू एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारा कस्टम यूआरएल है जो हमने पहले से ही ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर हेयर पर क्लिक करेंगे एक नया यूआरएल बनाने के लिए, यानी दो दो यूआरएल हो जाएंगे हमारे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव कस्टम यूआरएल का। यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अबाउट मी का ऑप्शन मिलेगा। इस अबाउट मी पर क्लिक करेंगे तो आपका अबाउट मी का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा कस्टम यूआरएल है। दोस्तों, अगर आप इस URL को आप दोबारा से एडिट करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद रिमूव पर क्लिक करेंगे तो ये URL आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप इसे दोबारा से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर इस URL को कस्टमाइज़ नहीं करेंगे और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसे कस्टमाइज़ ना करें, आप कस्टम URL को ही रहने दें। उसके बाद यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लिंक का नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ अरविंद चौधरी UP। दोस्तों, यहाँ पर अरविंद चौधरी कई लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन एक यूनिक बनाने के लिए मैं UP का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि गूगल पर इस नाम का कोई और व्यक्ति ना हो और अरविंद चौधरी UP सर्च करने पर सिर्फ मैं वहाँ पर मिलूँ। और यहाँ पर आप अपना लिंक डाल देंगे, उसके बाद इसे सेव कर देंगे। दोस्तों, ये हमारा लिंक बन गया है। अब उसके बाद हम इसे इस पेज को बैक कर देंगे। दोबारा से एक बार बैक करेंगे, उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कस्टम URL है और ये लिंक जो हमने दोबारा से बनाया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।